हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस इक्या स्टार्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम LIC एग्जाम यानी इंश्योरेंस अवेयरनेस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। निम्न प्रकार की कंपनियों या संगठनों में से कौन सा ULIP या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जारी करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बीमा कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बीमा कंपनी भारत में काम नहीं कर रही है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यह भारत में काम नहीं कर रही है। और ICICI प्रूडेंशियल और INGVS और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये तीनों भारत में वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा के क्षेत्र में कौन सा एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। देखिए, LIC यह भारत की एकमात्र जीवन बीमा कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुबंध जो किसी व्यक्ति या उसके नामांकित व्यक्ति को किसी भी घटना के घटित होने सहमत राशि का भुगतान करने का वचन देता है, तकनीकी रूप से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जीवन बीमा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस चलाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI और संयुक्त उद्यम करार यानी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट निम्न में से किसके साथ किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, बीमा ऑस्ट्रेलिया समूह यानी IAG के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक इंश्योरेंस रेगुलेशन निम्न में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, IRDA। देखिए, भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक करता है IRDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दुरुपयोग की चेतावनी। देखिए, दुरुपयोग की चेतावनी यह इंश्योरेंस यानी बीमा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या संगठन निर्यातकों को बीमा कवर प्रदान करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ECGC। देखिए, ECGC यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और संगठनों निर्यातकों को बीमा कवर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी समय के एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित राशि अपने ग्राहकों से एकत्र करते हैं, इसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रीमियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बीमा यानी इंश्योरेंस विभिन्न प्रकार के हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस और दायित्व बीमा यानी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ये तीनों बीमा क्षेत्र के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बीमा कंपनियां नारे पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास है? सही आंसर है ऑप्शन बी, देखिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इसका नारा है पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास है, ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र से बीमांकित विज्ञान जुड़े हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बीमा से। देखिए, बीमा से बीमांकित विज्ञान जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त और बैंकिंग के क्षेत्र में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा स्फीति।
देखिए मुद्रा स्फीति शब्द यह वित्त और बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 रुपए के नोट यानी 1 रुपीज नोट पर किसके हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, को राज्य वित्तीय निगमों को मुख्य रूप से कौन सा विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, लघु और मध्यम उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, FDI का संदर्भ है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेबी। देखिए सेबी यह भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत का पैसा बाजार यानी मनी मार्केट का हिस्सा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय स्वर्ण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति यानी ट्रेजरी पॉलिसी किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक राजस्व और व्यय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को किस हिरासत में रखा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सर्कुलरों में इस्तेमाल के रूप में CCEA शब्द का विस्तार करें डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESOP के तहत कंपनी में से कौन सा शेयर पेश किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्मचारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSDC शब्द का प्रयोग वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFRS शब्द का विस्तार करें डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक। IFRS इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का मुख्यालय कहाँ है? सो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।